साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक उज्जैन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राय और न्यूज मालवा में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोरोना वायरस का संक्रमण फिलहाल यही तो सबसे बड़ी खबर है। पिछले 5 दिनों में उज्जैन जिले में अस्पतालों या होम आइसोलेशन से 83 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन इनसे 4 गुना अधिक 341 नए मरीज सामने आ गए हैं। 26 मार्च को हमारे जिले में 1691 टेस्ट हुए और 85 मरीज पॉजिटिव मिले। पॉजिटिविटी रेट रहा 5%। 27 मार्च को 1270 टेस्ट हुए, 69 नए मरीज सामने आए, पॉजिटिविटी रेट रहा 5.4%। 28 मार्च को 1122 टेस्ट हुए, 72 नए मरीज सामने आए, पॉजिटिविटी रेट रहा 6.4%। 29 मार्च को 486 टेस्ट हुए और 32 नए मरीज मिले, पॉजिटिविटी रेट रहा 6.5%। इन 4 दिनों के आंकड़े हमने आपको इसलिए बताए ताकि आप जान सके कि टेस्ट के मुकाबले संक्रमण की दर 4 दिनों में 5% से 6.5% तक जा पहुंची है। सीधी भाषा में आप इसे कोरोना संक्रमण का फैलाव कह सकते हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फिर वैसे ही इंतजाम किए जाने लगे हैं जैसे पिछले साल हुए थे। शहर में 24 रैपिड रिस्पांस टीम काम कर रही है। सभी टीमों के प्रभारियों की बैठक लेकर कलेक्टर ने पॉजिटिव मरीजों के घरों को कंटेनमेंट जोन बनाने, बैरिकेडिंग करने, घरों पर पोस्टर चस्पा करने जैसे उपाय सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार दोपहर कलेक्टर आशीष सिंह ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ भी बैठक की। उन्होंने सभी निजी अस्पताल संचालकों से कहा कि अपने यहाँ भर्ती कोरोना के मरीजों को रेफर करने से पहले जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई रेफरल कमेटी से अनुमति अनिवार्य रूप से लें। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। निजी पैथोलॉजी लैब्स के संचालकों से कलेक्टर ने कहा है कि उनके यहाँ होने वाली जांच और उसके रिपोर्ट की जानकारी अनिवार्य रूप से कोविड कंट्रोल रूम को देना ही है। पिछले कुछ दिनों से निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों से अधिक रुपए वसूले जाने, महंगे इंजेक्शन मंगाए जाने संबंधी शिकायतें भी प्रशासन को मिली हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ कर दिया है कि रेमडेसिविर या अन्य एंटीवायरल इंजेक्शन या एंटीबायोटिक दवाओं के दामों में एकरूपता रहना चाहिए। सभी निजी अस्पतालों से उनके यहाँ मौजूद कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व बेड की जानकारी भी मांगी गई है। प्रशासन की ओर से एक और फैसला हुआ है। कोरोना मरीजों या कोरोना के संदिग्ध मरीजों की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार त्रिवेणी मोक्षधाम पर हो सकेगा। त्रिवेणी मोक्षधाम को इसके लिए रिजर्व कर दिया गया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात वकील गोपाल सिंह हिरावत, उनके साले, पत्नी और परिवार के अन्य लोगों के साथ टावर चौक पर पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने की घटना को लेकर मंगलवार दोपहर शहर के वकीलों ने टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11:30 बजे बार एसोसिएशन के बैनर तले वकील टावर चौक पर एकत्रित हुए और मानव श्रृंखला बनाकर टावर पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, खूब गुस्सा भी जताया। CSP हेमलता अग्रवाल वकीलों से बात करने पहुंची, लेकिन सारे ही वकील SP से ही बात करने पर अड़े हुए थे। ASP अमरेंद्र सिंह टावर पर पहुंचे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव से बात की। उन्हें बताया कि जिन 3 पुलिसकर्मियों ने वकील गोपाल सिंह हिरावत के साथ मारपीट की थी उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। आधे लोग ASP की बात मान गए, आधे निलंबन की कार्रवाई पर अड़े रहे। 1.5 घंटा इसी हंगामे में गुजर गया और विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ। शहर के ख्यात वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप मेहता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस के वाहन से उन्हें संजीवनी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य हो पाई। इन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ और इन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया कि इस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं देना, तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया इनके साथ में जो कि असहनीय था। मैंने हाथ जोड़े, मैंने पैर पड़े कि ये चीज़ गलत है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उन लोगों ने ऐसा बुरा बर्ताव किया जिसके CCTV कैमरे में सारी फुटेज आ चुकी है। हमारे समाज के गोपाल सिंह हिरावत जो वकील भी है उनके साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी, उनकी वाइफ के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। समस्त वकील लोग यहाँ उपस्थित हैं,
श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना भी वकील लोगों के साथ है। अगर इस तरीके की किसी भी के साथ हरकत होती है, विगत दिनों पत्रकार के साथ भी पुलिस प्रशासन ने ये किया था, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो पुलिसकर्मी दोषी है उनको तत्काल प्रभाव से सजा दे, नहीं तो वकीलों के साथ कर्णी सेना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके साथ कुछ पुलिस वालों ने अभद्रता की है तो उस संबंध में उनको अभी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लाइन अटैच किया गया है और आगे जांच की जा रही है। जो भी जांच में पाया जाएगा उस हिसाब से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देवास रोड स्थित हामूखेड़ी गांव में रविवार की रात 20 साल उम्र के एक युवक का मर्डर हो गया है। शुभम पिता ओमकारलाल नाथ नाम के इस युवक के सीने पर सब्बल से वार किया गया था। वार करने वाले उसके पड़ोसी ही थे। दरअसल हामूखेड़ी में शुभम और उसके पड़ोसी माना नाथ के परिवार वालों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही है। होली वाली रात शुभम ने माना के घर के सामने पेशाब कर दी थी। इसी बात पर दोनों परिवारों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हुआ तो माना नाथ ने शुभम के सीने में सब्बल घोंप दी। शुभम के भाई हर्ष को भी झगड़े में चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी माना नाथ के घर की दो महिलाओं, दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है। अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर ऐसी संपत्तियां बन गए हैं जिन्हें पुलिस, नेता और प्रशासन के अधिकारी कब्जा ना चाहते हैं। विश्वविद्यालय के जिन शिक्षकों के लिए इनका निर्माण किया गया था उन्हें तो क्वार्टर मिलते ही नहीं। ताज़ा ही मामला देख लीजिए। विश्वविद्यालय का E1 क्वार्टर तराना विधायक महेश परमार के कब्जे में था। राजभवन से काड़ी आई तो विधायक से इसे खाली करवा लिया गया, लेकिन अब पुलिस के एक अधिकारी ने इस पर अपना ताला डलवा दिया है। मंगलवार को विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्य इस क्वार्टर पर पहुंचे, पहले से डला ताला तोड़ा और विश्वविद्यालय का ताला डालने के बाद कुलपति अखिलेश कुमार पांडे से मिलने पहुँच गए। जिस क्वार्टर का ताला तोड़ा गया उसके आवंटन के लिए विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर राज मौर्य प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका आवंटन नहीं हो पा रहा। खुद कुलपति ने भी स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय के क्वार्टर्स पर कब्जा करने वालों को राज्यपाल के निर्देश पर नोटिस जारी हुए हैं। बाहरी लोगों को क्वार्टर से बेदखल करने की कार्रवाई जारी है। कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय में जो बाहरी लोग अनाधिकृत रूप से जो कब्जा करके रह रहे हैं उनके संज्ञान में लिया जाए, कि विशेष प्रशासन को यह आदेश दिया है कि उनको बताए कि जो यहाँ रह रहे हैं उनको खाली करवाए। ये उन्होंने भी अभी संज्ञान में लिया है, परंतु आज हम लोगों ने कुलपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि जो है डॉक्टर राज बोरिया को ये क्वार्टर आवंटित करवाया जाए, इसका कब्जा दिलाया जाए। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इस क्वार्टर पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है जो विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय का ताला नहीं है। तो कहाँ के विधायक तराना उनके नाम पे ऐसा मुझे बताया है कि वो अलॉट है। हम अभी जांच करवा रहे हैं उसकी। अभी 21 फरवरी को महामहिम ने पूरे इंस्ट्रक्शन जारी किया है उन्होंने कि जितने भी इस तरीके से अनाधिकृत मकान है उनको खाली कराया जाए। तो अभी वैसे विश्वविद्यालय ने सारे लोगों को नोटिस भी, उनको भी कई बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मैं खाली करूँगा और आने वाले, लेकिन अभी ये आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई दूसरे ऑफिसर, कोई मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जो है उस मकान पे साफ सफाई करा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ शिफ्ट होने वाले होंगे। ये बात मेरे संज्ञान में अभी आई है और मैं तत्काल अभी मैं भेज रहा हूँ अपने सिक्योरिटी वालों को। महिला संबंधी अपराधों के त्वरित निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत करने जा रही है। उज्जैन जिले में भी 21 थानों में बुधवार से महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत होने जा रही है। बुधवार शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ होगा। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं के लिए पुलिस सहायता, कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की सहायता करने और पुनर्वास में मदद करने जैसे काम संपन्न होंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ही सोमवार से महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन किया गया है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्री बुकिंग कराने वाले श्रद्धालु अब शंख द्वार से प्रवेश कर फैसिलिटी सेंटर, कार्तिकेय मंडपम, पालकी द्वार होते हुए गणपति मंडपम से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे और दर्शन के उपरांत रैंप से होकर उन्हें सीधे निर्गम द्वार तक पहुँचाया जा रहा है।
सोमवार की दोपहर मंदिर समिति की सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंघी ने मंदिर परिसर में कई जगह बैरिकेडिंग करवा दी। अब दर्शनार्थी मंदिर परिसर में हर कहीं नहीं घूम सकेंगे। इसका एक मतलब यह भी है कि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन परिसर के अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। यह व्यवस्था फिलहाल 2 मार्च रंग पंचमी तक के लिए लागू की गई है, लेकिन इसके आगे भी बढ़ने की संभावना है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहे, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस, फेमस गोल्ड टी।